नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव यादव और आज हमारे साथ हैं सरसों के जाने माने व्यापारी गोलू जैन जी। तो उनसे जानेंगे इस समय सरसों की कितनी आवक हो रही है और मंडी में क्या दाम चल रहे हैं। गोलू जी, आपका स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी में। धन्यवाद। इस समय सरसों की क्या दाम चल रहे हैं मंडी में? सरसों अभी क्या है, अभी 8-10 की पेड़ हुई है, अभी 48-35 रुपए मैंने ली एक साल अभी, और आवक का प्रेशर मान ले अपन 5,000 बोरा सरसों होगी मंडी में आज की डेट में। अभी क्या है, 8 दिन की छुट्टी थी मंडी की ना, और थोड़ा किसान भी क्या है, गेहूँ अभी गेहूँ फसल कट रही है तो गेहूँ की तरफ ज्यादा रुझान है उसका बेचने का। सरसों और क्या है, मसूर थोड़ी आवक कम हो गई है पहले की अपेक्षा। तो जो सरसों के 3 तरह के मॉडल भाव चलते हैं अपने यहाँ, उच्चतम, अधिकतम और मॉडल भाव, तो क्या क्या है इसके? जो बारीक सरसों आती है 43-44-45 की रेंज में बिक्री है वो, और उसके बाद मीडियम जो सरसों आती है मतलब 20% उसमें बारीक रहती है, 80% मोटी रहती है, उसका भाव 46-46-47 रुपये है, और जो बेस्ट रहती है बेस्ट क्वालिटी की वो 48-33 रुपये बिकती है मैंने लिए। ये सरसों का काफी समय हो गया मंडी में आ रही है जब से, इस समय कितनी आवक हो रही है बीते दिनों की अपेक्षा देखा जाए? नहीं, आज आवक कम हुई है पहले की अपेक्षा। पहले 8-10 हजार बोरी सरसों आ रही थी, लेकिन अब आज मनुआ ने अपना 4-5 हजार बोरी की। आगामी दिनों में क्या लगता है, अधिक आवक बढ़ेगी या कम होगी? नहीं, आवक कम होगी अब अधिकतर, क्योंकि किसान गेहूँ बेचेगा, अभी गेहूँ की फसल कट रही है किसान की। अब सरसों मसूर तो क्या जो कट चुकी है पहले फसल थी, तो गेहूँ बेचेगा किसान, गेहूँ के बाद फिर सरसों बेचेगा। तो इस समय जो सरसों के जो वर्तमान समय में दाम चल रहे हैं, इसके अलावा आगामी समय में क्या कहना है आपको, क्या स्थिति रहने वाली है दामों को लेकर? तो दाम के बारे में अपन माने तो अभी क्या है कि पुरानी फसल ही बहुत बची हुई थी किसानों पे, व्यापारियों पे 24 लाख टन पुराना रिस्टॉक आया हुआ है, मतलब एक मौका है, मतलब मस्टर्ड जो एसोसिएशन है सरसों की उसने अनुमान दिया है कि 24 लाख टन पुरानी सरसों बाकी है अभी। और ये कहाँ पर है, मतलब पूरे जयपुर पूरे सभी जगह की बात है? सभी जगह की बात है। अच्छा, ये है तो ऑल इंडिया, मतलब जो क्रॉप आई है ना उसमें सरसों का पैदावार अब यार बढ़ के बताई गई है, 120 लाख टन बढ़ के बताई हुई है। भाव को लेकर क्या कहना है? भाव 1400 रुपए में यही अनुमान चलेगा, मतलब हाईएस्ट 5200 रुपए और नीचे 4800 रुपए का है अपना मन। इसी तरह से भाव रहेगा, यानी कि ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं रहेगा। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।